हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन जो हुआ था उसमें दो सेशन आपस में मर्ज कर दिए गए थे, तो जो आपका रिजल्ट है वो 6% ना होकर के 12% होने की उम्मीद थी, लेकिन जो रिजल्ट था आपका वो 6% भी नहीं आया था। जैसे कि आप सभी को पता होगा किसी किसी सब्जेक्ट में जो रिजल्ट है वो ओनली 3% था। तो एनटीए का कहना है कि हम 6% जो है नेट सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन 6% तो छोड़ो, उससे भी कम नेट सर्टिफिकेट दिया गया था। काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे थे, हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में, जबकि बच्चों ने डिमांड किया था कि ये अगर दो सेशन मर्ज हुए हैं तो हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है वो भी डबल किया जाना चाहिए, हमें मिनिमम 12% तो रिजल्ट दिया ही जाना चाहिए। तो 12% तो छोड़ो, 6% भी नहीं दिया गया है रिजल्ट। वी आर नॉट हैप्पी विद द एनटीए वर्क। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी काफी जगह कंप्लेन वगैरह कर दी है। एनटीए कॉल करो, फोन नहीं उठाते। मेल करो, रिप्लाई नहीं आता। आप खुद एनटीए कॉल करके देखिए, फोन ही नहीं उठाएंगे, और फोन उठाएंगे भी तो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे पता नहीं हमने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली हो, ऐसे लड़ झगड़ के बात करते हैं। और मेल करो तो रिप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर 6% का जो क्राइटेरिया है इन्होंने इस चीज को भी फॉलो नहीं किया है, और हम डिमांड कर रहे थे 12% की। गाइज बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किए हैं, अब ट्वीट हम लोगों ने ट्रेंड भी करवा दिए, फिर भी कोई रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है, और लग रहा है कि अब आपका जो सर्टिफिकेट वो जल्दी ही हमें देखने को मिल जाएगा। अगर एक बार सर्टिफिकेट आ गया तो उसके बाद रिवाइज रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ट्विटर पे आकर के बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर ट्वीट किया है एनटीए को और गवर्नमेंट को। पता नहीं कोई नहीं सुनने वाला, यहाँ पर कोई नहीं सुन रहा है, ना एनटीए सुनने को राजी है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से वो सुनने को राजी है। जैसे भी कुछ टाइम पहले आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के लड़ाइयां हुई थी, मतलब अपने देश के ये हालात हो चुके हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। मतलब अगर आपको बोल दिया भाई कि 6% रिजल्ट आना है, वो नहीं दिया, 6% नहीं दिया, मतलब 12% तो छोड़ो, 6% भी नहीं दिया। अब ये कंप्लेन हम कहाँ करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। एनटीए कॉल करो, सुनते ही नहीं है। तो इसी वजह से लड़ाई दंगे करते हैं लोग, प्रोटेस्ट करने उतर जाते हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा, हम पढ़ाई करें या फिर हम प्रोटेस्ट करें, क्या करें, हमें समझ नहीं आता कि करें क्या। तो गाइज आप लोग भी, हम देखो जो हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मेल करिए एनटीए को, आप मेल करिए, अगर कॉल पिक नहीं करते तो आप मेल कर सकते हैं। ज्यादा जितने ज्यादा मेल जाएंगे उन लोगों को पता चलेगा कि बच्चे खुश नहीं है रिजल्ट से, उनको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। हमें 12% रिजल्ट चाहिए बिकॉज दो सेशन मर्ज कर दिए। अब ये आपने अपनी सहूलियत के लिए जो सेशन थे वो मर्ज किए थे बिकॉज कोविड था। आप कोविड में आप एग्जाम नहीं करा पाए तो आपकी गलती है ना, हम तो एग्जाम देने जाते हैं, अगर आप एग्जाम करवाते तो कोविड की वजह से आपने एग्जाम को मर्ज कर दिया, दो सेशन को आपस में मर्ज कर दिया, तो रिजल्ट भी मर्ज कर देते हैं भाई। 12% रिजल्ट देना चाहिए था आपको, तो 12% तो छोड़ो, 6% भी नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मैंने देखे हैं, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियोज में, जहां पर रिजल्ट जो है वो 2 से 3%, 4% रिजल्ट रहा है। अब ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोगों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो अपना करियर बनाना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आपको पता है कि कितनी शॉर्टेज है, जो जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हैं, उनकी बहुत शॉर्टेज है। अगर आप देखेंगे डेटा को उठा करके तो उनकी शॉर्टेज है। बहुत स्पीड से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और जो पासिंग क्राइटेरिया है इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो गाइस देखते हैं कि क्या रहता है। अभी तो हम लोग सर्टिफिकेट का वेट करें कि सर्टिफिकेट आ जाए। आप जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो जेआरएफ की वैलिडिटी है वो 3 साल की कर दी गई है, पहले 2 साल की रहती थी। और जो आपका नेट सर्टिफिकेट होता है दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरशिप के लिए जब आपकी वैलिडिटी रहती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है, मतलब वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर नहीं होता है। आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहती है। जेआरएफ की वैलिडिटी अब 3 साल कर दी गई, 3 साल की वैलिडिटी रहती है। तो गाइज कॉमेंट करके बताइए आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है यार कि अगर 12% नहीं करना था तो यार कोई बात नहीं, नहीं करते हम। वैसे हमें 12% रिजल्ट चाहिए था, अगर ये नहीं भी करना था तो एटलीस्ट 6% तो रिजल्ट देते। काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर 6% रिजल्ट भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को पता चले कि क्या चल रहा है, कोई तो सुने हमारी। जितनी ज्यादा ये वीडियो इधर उधर जाएगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर होगी, उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, ट्रेंड करेंगे हम लोग, हमारी वीडियोस, हमारे जो ट्वीट्स हैं ट्रेंड करेंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नजर पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल की, और कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। गाइस इसके अलावा मैं बता दूं, जो अपकमिंग सेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी यूजीसी नेट मेंटोर की एंड्रॉइड ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड जो एनटीए का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, काफी हद तक चेंज हो चुका है। इन चीजों को एनालाइज करते हुए यहाँ पर लेक्चर्स को डिजाइन किया गया है। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पर आपको। यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और साथ ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ मटेरियल ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें उनको। तो गाइस ये आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पर डेमो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज पे ही डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं।
कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में कंटेंट रखा गया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। इस ऐप का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर जाकर आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और डेमो लेक्चर जरूर अटेंड कीजिए। गाइज इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि कोई ना कोई तो हमारी बात सुने, कोई ना कोई तो एक्शन ले इस चीज को लेकर के। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।